support of this bill. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Sri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Sir, I rise to oppose the way the supplementary demands for grants has been laid on the table. It is a reflection of the lack of government's mission and poverty of vision. Sir, in the supplementary demands for grants, it contains 79 demands and 4 appropriations, gross additional expenditure rupees 129,348.85 crore, net cash outgo 58,378.21 crore, savings received recoveries 70,968 crore. Sir, the issue is that सुबह से शाम तक सदन में हम ये सुनते आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी, ये नया नारा अभी शुरू हो गए हैं. पहले था मोदी है तो मुमकिन है, अभी नारा बदल चुके हैं, मोदी की गारंटी आ गए. तो ये नारे की सरकार आम लोगों के लिए, इन लोगों की चिंता करने की नहीं है कोई दरकार. सर, बात यह है कि ये गारंटी किस पे, हर चीज अगर जब गारंटी दिया जाते हैं तो गारंटी की एक वारंटी पीरियड भी होते हैं, तो ये गारंटी के साथ क्या वारंटी पीरियड है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कहे गए थे कि 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगा, वो गारंटी खो गए. कभी ये कहे गए थे कि बाहर से काले धन लाकर हर लोगों की जेब में 15 रुपया डाला जाएगा, वो गारंटी चले गए. ये कहे गए थे कि नोटबंदी के चलते सारे ब्लैक मनी बैंक में वापस आ जाएगी, 99.68% सफेद मनी आ गए. तो ये गारंटी ही गारंटी है, लेकिन इस गारंटी के साथ कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार कहते हैं कि हम इस जमाने में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनेंगे और महान कंट्री बनाने के लिए 1000 साल लग जाएगी. तो हम क्या गारंटी के लिए क्या 1000 साल हम इंतजार करें? ये अभी हमारे साथ में कुछ आए, इसके लिए मैं आप लोगों के बारे में कुछ कहे. सर, बात इसलिए कह रहा हूं, कल हमारे जॉनसन जी कह रहे थे कि 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन हो गए मार्केट की कैपिटलाइजेशन. ठीक है, द यूफोरिया. आई वुड लाइक टू कोट रघुराम राजन जी, द यूफोरिया ऑन दलाल स्ट्रीट विथ इंडिया ज्वाइनिंग द एलिट ग्रुप ऑफ कंट्रीज विथ 4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड सेंसेक्स हिटिंग ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई लेवल इज नॉट ए गुड इंडिकेटर ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक सक्सेस, argues former RBI governor. In the just released book Breaking the Mold, Rajan and economist Lohit Lamba say that the stock market offers a misleading picture of the broader economy, as the big are getting bigger and small ones are getting smaller. For a variety of reasons, including demonetization, the pandemic and the implementation of GST, we have seen an increase in the profitability of large firms in the country, while small and informal firms are doing relatively poorly. But only the former are quoted on the stock market, which offers a misleading picture of the broader economy. Sir, आप तो नहीं मानोगे रघुराम राजन का कहते हैं, क्योंकि सुबह से शाम सारे सदन गूंजते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी. मोदी जी के साथ हमारे कोई देश नहीं है, मोदी जी के साथ हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहते हैं कि सुबह शाम जब धर्म मानने वाला लोग होते हैं तो कभी गीता पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, तो कभी कुरान की पाठ करते हैं. तो सदन के आने के पहले आप मोदी स्तुतिकरण मोदी पाठ करने के बाद सदन में आया करो, क्योंकि हर व्यक्ति जो चर्चा में शामिल होते हैं कम से कम 10% समय मोदी जी की गुणगान करने के लिए ये अपने तरफ से नहीं, ये नहीं सर, मैं सलाह देते हैं, सलाह कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उस समय दूसरे काम में लग सकते हैं. सलाह मत दो सर, मैं सर मैडम आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन ए वेरी पर्टिनेंट इश्यू.
one of the main aims of awarding contracts to the MSME sector through the MSME portal is to ostensibly to promote small enterprises for bringing about transparency in tendering process and to meet the aims of Atmanirbhar Bharat. As per the system currently being followed, small enterprises which bid for and secure contracts through the GeM portal have to pay a fee of 0.5% of the contracted amount. Does a person or an enterprise who secures a contract of say rupees 10 crore will have to immediately pay up a fee of rupees 10 lakhs. This amount of fee, you must appreciate, is substantial for a small enterprise and would only eat up the capital of the small entrepreneur or the firm. The simple point that is being made is that the fee of taking up the contracted item of work through the GeM portal should not be such that it would be a burden for the small enterprises, ends up eating into the likely profit margin and does not contribute to making the country Atmanirbhar. For enabling and serving the purpose of or goal of promoting small enterprises, I would suggest that the government do away with the current system of upfront payment of 0.5% of the contracted amount immediately by the enterprise concerned. Instead, a more viable and objective method of charging fees for the contracted amount on the portal could be introduced by way of having a graded or slab-wise system of fees prescribed starting from a contract amount of rupees 50 crore. A slab-wise system of the fee prescribed for contracted amounts of rupees 50 crore and above will go a long way in helping the small enterprises and entrepreneurs by saving on their capital and improving their profit margin. Madam, I am saying that if there are more entrepreneurs in the GeM portal, they don't have to be involved in the GeM portal. That means the most effect is in the MSME sector. आप एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय व्हील चेयर में बैठा देते हो, तो इसलिए मैं आपको संगन में ये मुद्दा रख रहे हैं। मैडम, ये कहे जाते हैं कि हमारी देश तरक्की कर रहे हैं रोजाना, हमारे रोजाना ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की बात सुनते सुनते मुंगेरी लाल की सुनहरी सपने की याद आते हैं, तो मैं आपको ध्यान में रखना चाहते हैं to better understand the extent of food inflation. Rating agency CRISIL releases a monthly rice and roti report that tracks price changes of the various commodities used to prepare a vegetarian and a non-vegetarian thali. Madam, the cost of a vegetarian thali rose by 24% to rupees 33.8 and that of non-vegetarian thali by 13% to rupees 67.3 in August as compared to the same period in the last year. The inflationary pressure from rising food prices and uptick in the price of fuel and depreciating rupee has resulted in the people relying on their savings to meet their consumption needs. The net household savings of Indians dropped to a five-decade low. Madam, I want to keep one thing in front of you. This is our देश की आम लोगों को खर्चा करने की पैरामीटर क्या है, उनकी आज का ताजा हालत क्या है, ये सर्वे दैट वुड एनेबल अस टू एडिक्वेटली गेज हाउ मच मनी पीपल स्पेंड ऑन देयर कंजम्पशन नीड्स. द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हैज बीन कैरिड आउट बाय योर गवर्नमेंट बट इट्स फाइंडिंग हैव बीन विथहेल्ड. द रिजल्ट्स फॉर 22-23 एंड 23-24 सीईएस आर लाइकली टू कम ओनली after the 2024 elections. The findings of a similar exercise done by the government in 2017 and 2018 were also withheld. But the leaked data had shown a rise in poverty levels and a 45-year high in unemployment. I do not know whether madam will be subscribing to my view or not, but the issue is, एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती मैडम, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मोदी की विकसित गाड़ी चलते हैं और काफी रफ्तार चलते हैं आप लोगों की कहने के मुताबिक, तो आपको 5 साल की मुफ्त रेशन की गारंटी देने की क्या जरूरत होती है, अब बताइए.
क्या जरूरत होते हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक चलते हैं तो ये इतने सारे रेबड़ी की बात जो कह रहे थे, वो रेबड़ी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों बेचैन रहते हैं? क्योंकि वो खुद रेबड़ी देने में आज काफी अग्रसर हो चुके हैं। तो मैडम, ये दो चार बात आपको कहना चाहते हैं कि आप देखिए, आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। व्हाट डज इट इंडिकेट? द पर कैपिटा इनकम विजावी जीडीपी नाउ इज 138 इन द वर्ल्ड। 2023 ट्रेड डेफिसिट हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ $31.46 billion। दैट मीन्स आवर इकोनॉमीज इज बिस्मार्ट बाय इज बिलीगार्ड बाय हाई इन्फ्लेशन, अनस्टेबल रूपी एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट। नॉर्मल जीडीपी हमारा पीपीपी में थर्ड, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा देश की पर कैपिटा इनकम आप देखिए नॉमिनल में 2612, जब पीपीपी होते हैं 9183 होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि आम लोगों को गुमराह करना कोई सरकार की काम नहीं हो सकता। तो इसलिए सरकार इससे बाज रहे। रोजाना लोगों को जीडीपी की कहानी सुनाए जाते हैं, लेकिन लोगों की जेब की हालत क्या है, लोगों की घर की हालत क्या है, लोगों की पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ते हैं, इसके लिए आपको सही कोई दिशा दिखाने में आप विफल रही है। आप कहते हैं कि हमारा इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो गए और थर्ड लार्जेस्ट होने जा रहे हैं, लेकिन आप गौर करें मैडम, इंडिया जीडीपी डाटा हैज ह्यूज एरर्स सिंस 2016-17 व्हेन डिमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज बीन ऑन द डिक्लाइन, बट द ऑफिशियल डाटा डज नॉट कैप्चर इट। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज टेकन टू बी ए प्रॉक्सी ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपने क्या किया? क्रोनी कैपिटलिज्म को मदद किया, और क्रोनी कैपिटलिज्म की मदद के चलते हमारा देश से अभी पलायन होते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहते हैं मैडम, सही ढंग से अगर जवाब आप दोगे तो, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए फ्लाइट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमारा देश में शुरू हो चुके हैं। द रिजल्टिंग डैमेज टू द बिजनेस एनवायरमेंट हैज लेड टू टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाई नेटवर्थ इंडियंस लिविंग इंडिया सिंस 2014 एंड लैक्स हैव गिवन अप इंडियन सिटीजनशिप रिसेंटली। सही है नहीं, आप बताइए। आपसे मैं जानकारी लेना चाहते हैं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है या नहीं, और हमारा देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नीति आयोग का कहना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अभी 4.96% हो गए। रिसेंटली रिलीज मल्टी डायमेंशनल इन पॉवर्टी इंडेक्स बाय यूएनडीपी पुट द फिगर एट 16.4%। ये क्या दर्शाता है? हम जो भी बात करें, देयर इज अ सीमी साइड बिहाइंड ऑल द ह्यू एंड क्राई, बिहाइंड ऑल द हाई ऑक्टेन प्रोपागंडा बाय दिस गवर्नमेंट। अपने ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाए, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को, और इसमें सब्सिडी, अब न्यूटन बेस सब्सिडी देने को कह रहे हैं। आपको इतना दिन तक याद नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट्स डीएफजी प्रोबेबली अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी टू द एक्सचेकर। मैं ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, ये सरकार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायोकेमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं। आप सालाना फर्टिलाइजर में सब्सिडी लगभग 1,75,000 करोड़ दे रहे हैं, उसमें हमारा ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर की हिस्सा क्या है? हमारे ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर की हिस्सा क्या है? हमारे जमीन खराब होते जा रहे हैं, हमारे जमीन में माइक्रोन्यूट्रेंट ये खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर की जरूरत है। लेकिन बाजार में
ये जब ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर मिलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा नकली फर्जी मिलते हैं, लेबोरेटरी नहीं आए। आप बताइए आपकी सब्सिडी में ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर के लिए कितना हिस्सा रखे गए हैं। मैं आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप ग्रीन हाइड्रोजन की इस्तेमाल करो, आप ग्रीन अमोनिया की इस्तेमाल करो, इसमें आपको फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, आपको एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट डिजास्टर के ऊपर इसका असर होगी और आपके लिए ये बढ़िया काम बनने की संभावना लाएगी सर। इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं सर, हो गया सर, इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं सर कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म की असर क्या होते हैं मैं दिखाना चाहते हैं सर। ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या करते हैं, क्रोनिज्म वीकेंस इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीड्स टू द पर्सिस्टेंस ऑफ ब्लैक इनकम जनरेशन। ए डिक्लाइन इन द ब्लैक इकोनॉमी वुड हैव लेड टू इंडियाज टैक्स जीडीपी रेशियो टू राइज। इट हैज रिमेंड एट अबाउट 16-17% इन द लास्ट 10 years। डायरेक्ट टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज होवर्ड एट अबाउट 5.5-6%। इफ द ब्लैक मनी हैड बीन चेक इट शुड हैव बीन कंजर्वेटिवली रिजन टू 12%। इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन पोस्ट पैंडेमिक आर बींग शोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ बेटर कंप्लायंस बट दिस इज एक्सपेक्टेड टू हाई इन्फ्लेशन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ए लार्ज नंबर ऑफ फेक कंपनीज टू क्लेम इनपुट क्रेडिट्स आर बींग डिटेक्टेड एवरी मंथ एंड ऑफिशियल इवेशन इज रनिंग इन टू टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर। सो सर मैं ये कहना चाहते हैं जो बात बाहर कहे जाते हैं अंदर से उनका काफी फर्क निकलते आते हैं। तो इसलिए मैं और एक सलाह देना चाहते हैं कि आप अगर मुफ्त में रेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सा सेंसस आप अपनाते हो, आप पुराने सेंसस अपनाते हो, 2013 की सेंसस अपनाते हो, लेकिन आज 2023 साल हो चुके हैं, तो मतलब पिछले 10 सालों से जो गरीब वो गरीब लोग मुफ्त रेशन से वंचित रह गए लेकिन आप कुछ नहीं कदम उठाते हो। तो इसलिए मैं मैडम निर्मला सीतारामन जी को उनके दरखास्त करते कि मैडम आप बहुत कुछ सोचते जरूर है, मैं आपको बड़ा इज्जत करते हैं लेकिन शिकायत भी एक है आपके खिलाफ। ये शिकायत है अपनी बेटी की शादी में हमको किसी को न्योता नहीं दिए, एक लड्डू तक नहीं खिलाए, तो एक दिन लड्डू खिलाए हमें, हम अपने अपने बेटी आपका बेटी की बड़ा मंगल कामना करते हैं सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जो बात उठे हैं मैडम इस पर थोड़ा एनलाइटन करें और सही दिशा से देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए मैडम की सोच यहाँ रखे। नमस्कार। माननीय वित्त